रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुरम बास। आज के इस लेक्चर्स में हमने डिस्कस करना है जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के FPSC में जो पेपर्स चल रहे हैं उसके आज बैच नंबर 2 के आज MCQs को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंटली 18 तारीख को ये पेपर हुआ था। उस पेपर को आज हम इंशाल्लाह कम्प्लीट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर 1 के अंदर बैच नंबर 1 के MCQs को डिस्कस किया था, आज हम बैच नंबर 2 के MCQs को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बैच नंबर 3 एंड 4 के सब MCQs को हम डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ आप इसे देखते रहिएगा और चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर से प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव के साथ सबके साथ ये वीडियोज को शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने में सबसे पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा एक सिलेबस के बारे में आपको आइडिया दे दूंगा कि सिलेबस में हमारे पास क्या क्या चीज़ थी। कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलेबस में हमारे पास, मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ जाके आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं या भी यहाँ से हम इसको आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि इन अ राइट एंगल, इन राइट ट्राइंगल, के राइट ट्राइंगल है विच साइड इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट। तो इस ट्राइंगल के अंदर कौन सी साइड हमेशा बड़ी होती है, तो हमें पता है कि वो हाइपोटेनस की जो साइड है वो हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। नेक्स्ट है लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन टू हैवी चेन्स ऑफ आर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है डबल डिसल्फाइड, डबल डिसल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री वॉज फॉर्मली नॉन एज रोडेशिया। उसका करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1973। वो पाकिस्तान के कौन से प्राइम प्रेसिडेंट थे जो 1971 से 73 तक थे, वो हैं जुल्फकार अली भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर 2x + 5 = 13। ये आप लोग इजीली सॉल्व कीजिएगा, आपको उम्मीद है आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइडिया देता हूँ मैं आपको कि इसमें जो +5 है आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो -5 हो जाएगा, 13 - 5 = 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 2x = 8, जो x के साथ जो 2 है वो नीचे 8 के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इससे आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन कतर। वो अरेबिक लैंग्वेजेस हैं जो कतर में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैब्रिक फेल्ट सॉफ्ट। ये 3 वर्ड्स हैं, फैब्रिक फेल्ट सॉफ्ट, हेयर फेल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब इन दोनों के दरमियान, फैब्रिक और सॉफ्ट के दरमियान मिड में एक वर्ड है फेल्ट। अब ये फेल्ट क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के तौर पर यह काम कर रहा है, दो वर्ड्स को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग इज माई फेवरेट रिक्रिएशन। स्विमिंग क्या है, फेवरेट रिक्रिएशन है, हेयर स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द स्विमिंग जर्ल की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग फास्ट दे कॉच द लास्ट बस, ठीक है। हेयर रनिंग फास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रनिंग फास्ट एग्जाम्पल है एडजेक्टिव फ्रेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सोल्ड हिज हाउस टू जॉन, उसने जॉन को अपना घर बेचा। हेयर जॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जॉन किसकी एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव वॉन नोबल प्राइज इन फिजिक्स 2020, के 2020 में फिजिक्स के अंदर किसने नोबल प्राइज जीता था, रोगर पेनरॉस ने एंड रेनहार्ड गेंसल एंड्रिया गिज, इन्होंने फिजिक्स के अंदर नोबल प्राइज उन्होंने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, पंजाब यूनिवर्सिटी इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, 5 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद 10 है, तो इसका टोटल आगे 15 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर यू और ही डैश इज एट फॉल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत यूसुफ एंड हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मीट ईच अदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स, के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 40 साल बाद इनके आपस में मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सेंड्री, सेंड्री का सिनोनिम है सेवरल, एंड नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ जीस, जीस का एंटोनिम है डिस्टेस्ट, एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें
हु हैड मोस्ट रन्स इन एशिया क्रिकेट 2022 के, 2022 का जो एशिया क्रिकेट कप वर्ल्ड कप था, एशिया क्रिकेट कप था, तो उसके अंदर किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन्स किए थे, वो है मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ एग्जसरबेट, एग्जसरबेट इज, इसका सिनोनिम है एग्रेवेट, ठीक है। नेक्स्ट है, द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड डैश द चेयरमैन एट द बैंक्वेट, बाय द चेयरमैन एट द बैंक्वेट, इसका करेक्ट आंसर होगा बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम आपने बताना है, रेडोलेंट का एंटोनियम है ओडोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट इन 2023, कि वो कौन सा कंट्री है जो G20 के जो समिट है वो 2023 में होस्ट करने जा रहा है, वो है इंडिया। तो आपको इससे पहले वाले और इससे बाद वाले कंट्रीज का पता होना चाहिए कि किसने इसको होस्ट करना है समिट को। तो मैं आपको बता देता हूँ कि G20 के जो समिट हैं, 2020 में सऊदी अरब ने किया था होस्ट, और 2021 में इटली ने होस्ट किया था, 2022 में इंडोनेशिया, और 2023 में अब इस वक्त इंडिया करेगा, 2024 में ब्राज़ील, एंड 2025 में साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको G20 की डिटेल थी जो आपके एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, वो है लिज ट्रस। इस तरह अगर आपसे पाकिस्तान का पूछा जाए तो आपने बता देना सिकंदर मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, ठीक है। किस कंट्री को लैंड ऑफ द मिड नाइट सन भी कहा जाता है, उन्हें नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन से हैं, कायदे आजम है। अब आपको थोड़े से इन चारों का डिटेल्स का पता होना चाहिए, टोटल चार गवर्नर जनरल हैं और इन चारों का आपको पता होना चाहिए कौन कौन किस पोजीशन पे है। नंबर वन कायदे आजम है, नंबर टू कौन से हैं, सर ख्वाजा नाजामुद्दीन, थर्ड पे के हैं सर गुलाम मोहम्मद, एंड फोर्थ पे लास्ट वन है इस्कंदर मिर्जा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की नेशनल करेंसी क्या है, युआन है। एंड विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ब्लैक डे इन कश्मीर, कौन सा दिन है जो कश्मीर में ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, 27 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। अगर पाकिस्तान का आपसे पूछा जाए तो आपने थर डेजर्ट का आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो कौन सा कलर है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है, वो है ब्लू कलर का। नेक्स्ट है, द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ रिकल्सिट्रांट का सिनोनिम क्या है, वो है रिफ्रैक्टरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ सोब्रीक्यूएट, सोब्रीक्यूएट का सिनोनिम है निकनेम। नेक्स्ट हमारे पास है द सिनोनिम ऑफ मॉडलिन, मॉडलिन का सिनोनिम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडलिन का मतलब होता है मदहोश, एंड उसके बाद जो वीकली सेंटिमेंटल का मतलब होता है कमजोर जज्बाती। तो इस तौर पे इस तरह आपका करेक्ट आंसर बन गया वीकली सेंटिमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स डैश केप्ट इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज केप्ट इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट हमारे पास है, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द एंटोनियम ऑफ कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का मतलब क्या है, आपने इसका उलट बताना है। तो सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंस से पता होना चाहिए, देन हम इसका उलट आप बता सकते हैं, अपोजिट बता सकते हैं। तो कॉन्सोनेंस का मतलब होता है इतफाक, एंड डिस्कॉर्ड का मतलब होता है ना इतफाकी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनियम अनवांटेड, अनवांटेड का एंटोनियम आपने बताना है। तो सबसे पहले हमें अनवांटेड का पता होना चाहिए, देन आप उससे उलट बता सकते हैं। तो अनवांटेड का मतलब होता है खिलाफ मामूल, ठीक है। तो इसमें कस्टमरी का आपको बता देता हूँ, कस्टमरी होता है रस्मी। तो इस तौर पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कस्टमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ नाइसिटी इज, द नाइसिटी का अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको नाइसिटी का मतलब पता होना चाहिए कि नाइसिटी का मतलब होता है अच्छाली या अच्छाई या नज़ाकत, ठीक है। तो केयरलेसनेस का मतलब है लापरवाही। तो अगर अच्छाई है, अच्छाई हो रही है, केयर हो रही है, तो इसका उलट होगा लापरवाही। तो लापरवाही केयरलेसनेस, तो केयरलेसनेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ लॉथ इज, तो लॉथ का आपको पता होना चाहिए, लॉथ का मतलब होता है नारजामंद, ठीक है, ना रजामंद, ठीक है। देन उसके बाद ईगर का मतलब होता है बेताब, तो ईगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोनियम ऑफ लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल कैबिनेट अटेंडेंट्स मस्ट लुक द कैबिन डोर आफ्टर लिविंग द रूम. तो करेक्ट आंसर इज आफ्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड्स. कि बहुत सारे डक्स हैं उनके जो हेड्स हैं वो ग्रीन हैं, डार्क ग्रीन हैं. हेयर सिवरल, जो सिवरल है इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सिवरल एडजेक्टिव की एग्जाम्पल होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, की कोई एक चीज है जिसमें एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रही है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो एक पॉजिटिव होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आइस. तो आइस की डेंसिटी क्या है, वो है 0.91 ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच नंबर इज यूज इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट. करेक्ट आंसर इज एयरक्राफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बैग ऑफ 40 ग्राम राइस कॉस्ट ₹3200, ठीक है, हाउ मच राइस कैन बाउट इन ₹4800. या कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 40 ग्राम के जो चावल का एक आपके पास बैग है वो आपने खरीदे है 3200 में, तो आप 60 ग्राम, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप 4800 में कितने आप चावल खरीद सकेंगे. तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, अगर आपने 40 ग्राम के जो चावल हैं उनके प्राइस अगर हमारे पास 3200 है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, तो इस तरीके से अगर हम 60 ग्राम की जो अगर चावल लेना चाहें तो हमारे पास कॉस्ट रहेगी 4800. अब ये 4800 में 60 ग्राम कैसे है, अब मैं आइडिया देता हूँ. अगर 40 ग्राम 3200 है, तो 3200 में अगर हम 1600 ऐड करें तो हमारे पास 4800 आता है. यस, तो 4800 में हमने 1600 ऐड किया, तो 60 kg हमारे पास 4800 का होगा. अगर हम 4800 में 1600 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या गया, जो 80 ग्राम की जो राइस आ जाएंगे 6400 में. तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा आपसे इंशाल्लाह. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. अ कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 km/h. एक कार जो है वो सफर कर रही है 90 km/h से. इन हाउ मेनी मिनट्स विल इट कवर 4450 km. कि वो कितने मिनट्स में 450 km सफर तय करेगी, वो 300 मिनट्स में 450 km का सफर तय करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड वॉज गिवन टू वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की बाय बोरिस जॉनसन इन जुलाई 2020. तो वो अवार्ड दिया गया है सर विंस्टन चर्चिल लीडर अवार्ड. ये अवार्ड दिया गया था, किसने दिया था मैं आपको बता देता हूँ. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो एक ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है, बोरिस जॉनसन प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रेजेंट किया था सर विंस्टन चर्चिल लीडर अवार्ड 2022 को. किसको प्रेजेंट किया, किसको दिया है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जो मैं आपको अभी हम बताया है, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, इनको दिया है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, इनको दिया गया है जुलाई 2020 में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इरानियन वुमेन आफ्टर द डेथ ऑफ विच प्रोटेस्ट स्पाइक्ड इन ईरान ओवर हिजाब लॉज. तो इसका कहने का मतलब यह है कि इस ईरानी खातून का नाम बताएं जिसकी मौत के बाद ईरान में हिजाब के कानून पर एहतजाज हुआ. तो उस औरत का नाम है महसा अमीनी, ठीक है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि रिफत मुख्तार, जो रिफत मुख्तार हैं उनको आईजी सिंध तैनात कर दिया गया, उनके तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. तो ये गाइस आज हमने बैच नंबर 2 के सारे एमसीक्यूज का हमने डिस्कस कर लिए है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में हम बैच नंबर 3 और बैच नंबर 4 के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके या मुझे कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.